Dear students, this is Gulwinder Ma'am here. Welcome again in our SST class of standard fifth. Dear students, today we will discuss question answers of lesson third variation in shelters. Let us move part D. Here are the questions of uh, part D. फर्स्ट क्वेश्चन वट वॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर सबसे पहले अर्लीस्ट फॉर्म जो है शेल्टर्स की वो कौन सी है केव्स कौन सी है केव्स केव्स वर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर शेल्टर्स फॉर मैन नेक्स्ट वट आर द वॉल्स ऑफ हट्स मेड ऑफ़ इनविलेज विलेजेस में जो हर्ट्स बनी होती हैं उनकी वॉल्स किस चीज़ से बनती हैं किस मटेरियल से बनती हैं किस से बनती हैं इन विलेजेस द वॉल्स ऑफ हट्स आर मेड विद मर्ड किस से बनती हैं मर्ड से वाई आर सम हाउसेस बिल्ट विद थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूप्स मोटी दीवारें थिक दीवारें वॉल्स जो हैं और फ्लैट रूप्स के घर जो हैं वो क्यों बनाए जाते हैं और कहाँ बनते हैं क्यों बनाए जाते हैं इन प्लेन एरियाज जहाँ पर हम रहते हैं इन प्लेन एरियाज हाउसेज आर बिल्ट विद थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स क्यों बनाए जाते हैं टू कीप दम कूल इन समर्स की घर जो हमारे हैं वो गर्मियों में ठंडे रहे इसलिए थिक वॉल्स के हाउसेज और फ्लैट रूफ के हाउसेज प्लेन एरिया में बनते हैं नेक्स्ट है गिव थ्री एडवांटेजेस ऑफ हाई राइज अपार्टमेंट्स हाई राइज अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स फ्लैट्स इन सब के क्या तीन बेनिफिट्स हैं कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जैसे हमने लेसन में भी डिस्कस किया था कहाँ बनाए जाते हैं लिमिटेड लैंड लार्ज पॉपुलेशन इंश्योर सेफ्टी ऑफ इट्स रेजिडेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द एडवांटेज ऑफ नेबरहुड वॉच प्लान नेबरहुड वॉच प्लान के क्या बेनिफिट्स हैं क्या बेनिफिट्स हैं फर्स्ट है इट इज़ वंडरफुल वे ऑफ क्राइम प्रिवेंशन तो सबसे पहला क्या है कि ये क्राइम प्रिवेंशन हमें जो किसी भी क्राइम से सेफ करके रखता है नेबरहुड वॉच प्लान सेकेंड है इट इज़ आल्सो बेनिफिशियल फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ रेजिडेंट्स स्पेशली एल्डर्स एंड चिल्ड्रन तो सेकेंड क्या है इसका बेनिफिट क्या है कि वो उस कॉलोनी के जितने भी रेजिडेंट्स हैं स्पेशली जो ओल्ड पर्सन हैं पर्सन हैं और बच्चे हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं तो ये थे बच्चों हमारे पार्ट डी के क्वेश्चन तो नेक्स्ट है हमारा पार्ट ई फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम बिम्बेद का रॉक शेल्टर्स? तो हमें का रॉक शेल्टर्स से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है सबसे पहले क्या है कि दे आर इन फाउंड इन मध्य प्रदेश तो ये मध्य प्रदेश में है दे आर ओवर नाइन थाउजेंड ईर्स ओल्ड तो ये नौ हजार साल पुराने हैं थर्ड है दे गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट ऑफ द अर्ली मैन नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द चेंजेस दैट अकर्ड इन द लाइफ ऑफ मैन वेन ही बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर्स तो क्या चेंजेस आई उनकी लाइफ में फर्स्ट क्या आया ही स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ वो एक अच्छी जिंदगी प्रॉपर लाइफ जीने लगे सेकेंड है ही स्टार्टेड बिल्डिंग हर्ट्स वो झोंपड़ियाँ बनाने लगे किसके साथ वो अपनी हट्स बनाते थे ब्रांचेज एंड लीव्स ऑफ द ट्री पेड़ पौधों के पत्तों से और उनकी टहनियों से उन्होंने अपनी झोंपड़ियाँ अपनी हट्स बनानी शुरू कर दी नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव थ्री रीजन्स फॉर रीजनल वेरिएशन इन हाउसेस हमने डिस्कस भी किया था चैप्टर में कि तीन मेन रीजन्स क्या हैं रीजनल वेरिएशन के तो फर्स्ट कौन सा है लैंड फॉर्म्स पहला है लैंड फॉर्म्स, दूसरा है क्लाइमेट नेक्स्ट है अवेबिलिटी ऑफ मटीरियल फॉर बिल्डिंग अ हाउस ठीक है तो ये तीन रीजन्स हैं रीजनल वेरिएशन के नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ अ गुड नेबर्स एक अच्छा नेबर एक गुड नेबर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं एज ए गुड नेबर वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक अच्छे नेबर होने के नाते हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले वी शुड कीप आवर वी शुड क्लीन आवर नेबरहुड तो हमें हमेशा अपना नेबरहुड को अपने आस पास को साफ सुथरा रखना चाहिए सेकेंड है वी शुड नॉट यूज़ नॉइसी इक्विपमेंट्स एट नाइट्स कोई भी शोर करने वाले इक्विपमेंट्स लाइक वॉशिंग मशीन वैक्यूम क्लीनर हमें रात को यूज़ नहीं करने चाहिए थर्ड है वी कैन आल्सो ऑर्गेनाइज ए कारपूल विद अवर नेबर्स हम अपने नेबर्स के साथ एक अच्छा कारपुल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जब हमने घर में कोई भी फंक्शन करना है तो अपनी गाड़ियों को पार्किंग भी करनी है वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प अवर नेबर्स केस ऑफ एन अमरजेंसी तो हमें हमेशा अपने नेबर्स की किसी भी एमरजेंसी में उनकी हेल्प करने के लिए रेडी रहना चाहिए तो बच्चों ये थे हमारे पार्ट डी के और पार्ट ई e के क्वेश्चन आंसर्स सभी ने इन्हें नोटबुक पर करना है और लर्न भी करना है थैंक यू हैव ए नाइस डे